वैसे ही बोलती रहती है। मुर्शद अब नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ही। पापा बोलते हैं लड़का क्या करता है, मम्मी कहती है मिलवा ही दे, मैं क्या कहूँ। ये मेरी काबिलियत कहती है कि तुझे एक दिन बहुत बड़ा करना है तो करना है। ये आपको गन दिखा के पूछ रहा है, डरे तो नहीं? बंदा खुद ब्रांड होना चाहिए, वो जो चीज पहने वो ब्रांड बन जाए। इन गुंडों के मूलक के ना कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बातों पे तो बंदूक निकाल लेते हैं। ये पैसा चीज ही ऐसी है मेरे भाई, जिसके पास आएगा वही मार्केट में छाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम 3 लाख की गाड़ी में बैठे हैं या 3 करोड़ की। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी में मक्खी घुसाए तो गाड़ी चाहे 3 लाख की हो या 3 करोड़ की, मक्खी को बाहर निकालने का तरीका एक ही होता है और वो हम सब जानते हैं। हमें बादशाह बनने का कोई शौक नहीं, अपने शौक पहले से बादशाह जैसे। जो दोगे उसका डबल करके दूंगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। गाड़ियों में घूमना शौक नहीं, शौक है हमारा बावली। नशा तो पद का है सर, आप ये चेक कर लीजिए आपको जीवन में नशा किस चीज का। अगर इन छोटी मोटी चीजों का है तो आप रह जाएंगे फिर वहीं पे। आप अपना नशा भी चेक करिए। मोदी जी को नशा रहा होगा, लालू जी को नशा रहा होगा, इन नशों ने ही। महिंद्रा थार ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, चलता फिर तो शमशान घाट है। अब जैसे ही से रोड पे लेके निकलेंगे ऑटोमेटिक लोग की गांड जलना आपसे चालू हो जाएगी। मानिए आपके पास बहुत पैसा है और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है, तो आप कोई फालतू चीज नहीं करेंगे, बस अपने घर के आगे महिंद्रा थार खड़ी कर देंगे। मानिए आप बहुत शरीफ है, वायलेंस से दूर रहते हैं, लेकिन गलती से भी आप कभी इस गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्यों आपका हमेशा वेपन कैरी करने का मन करने लगेगा। मानिए कभी आपकी ट्रक से टक्कर हो गई तो बचने कुछ चांसेस हैं, लेकिन गलती से भी आप कभी थार के टायर से भी टकरा गए, सीधा मौत की तत्काल ट्रेन है, कोई रिटर्न नहीं है, गाड़ी नहीं है।